सो आज का हमारा नाश्ता या फिर लंच जो कहना वो कह लो यही है आज, कड़ी कचौरी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक सिंह, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रेवल सिंह। लद्दाख से भाई वापस आ गए थे और आने के बाद 3-4 दिन तो बढ़िया एकदम रेस्ट करा है। उसके बाद बहुत कुछ घटित हुआ है जीवन में, क्या हुआ है क्या नहीं वो सभी आपको मैं धीरे धीरे बताता हूँ सब कुछ, लेकिन पहले खा लेता हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लग रही है। तो एक्चुअली सीन क्या हुआ कि लद्दाख से आने के बाद ना 3-4 दिन तो मैंने कुछ करा नहीं इतना ज़्यादा, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करा। उसके बाद एक्चुअली थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस समय घर में, तो उस वजह से ना मेरे को थोड़ा सा हॉस्पिटल जाना आना पड़ता है। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो मैं कैमरा पर बता नहीं सकता वैसे, लेकिन खैर जो भी, अब SMS उसमें जाना पड़ता है, आना पड़ता है SMS हॉस्पिटल जयपुर में, जो लोग हैं उनको पता है। और आज भी मैं अभी वहीं से जाके आया हूँ, 1 बजे सुबह, 7 बजे 8 बजे गया हुआ हूँ, वहाँ से आया हूँ। आके आज फाइनली देखो 10 दिन बाद मेरे को टाइम मिला है अपना, यानी बियर्ड वेयर्ड और हेयर वेयर सेट कराने का। वरना तुम लद्दाख की वीडियोस देखना, उसमें भी मैं ऐसे गया था और आते मैंने सोचा था कटा लूँगा कर लूँगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। तो बहुत ज़्यादा इस समय थोड़ी सी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, दिक्कतें परेशानियाँ बहुत सारी हैं, कुछ खैर कर क्या सकते हैं। अब मैंने सोचा भाई आज फाइनली कैमरा तो उठाऊं, क्योंकि अब लद्दाख के भी व्लॉग्स खत्म हो गए, व्लॉग भी नहीं है तो व्लॉग तो बनाना पड़ेगा। और सारा सामान ना मेरा यहीं पड़ा रहता है इसी बेड पे, लैपटॉप पड़ा है, कार्ड रीडर कॉपी वाला पड़ा है, गोप्रो ओप्रो सब पड़ा है, यहीं से कॉपी करता हूँ, फ़ोन में डालता हूँ या लैपटॉप से जिससे भी इच्छा होती है एडिट करके व्लॉग बस अपलोड कर दे रहा हूँ अभी, बाकी सब ऐसे ही है। एंड एक चीज़ मैंने मंगाई थी यार, ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको, भूल गया था, ये कैप मंगाई है मैंने, इसमें देखो यहाँ पर गोप्रो लग जाता है। ये कैप जैसे पहन के ना बहुत अच्छा अपन कंटेंट इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जैसे अभी हम लोग क्रिकेट विकेट खेलते हैं ना तो मैच वैच में काम आएगी ये कैप, अच्छे से कैप भी लग जाएगी और गोप्रो इसमें अपना फिट हो जाएगा। और आज है ना मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे, भाई रूटीन पे आते हैं, अपने काम वाम पे वापस आते हैं, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे भाई, वर्क इज़ इंपॉर्टेंट, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो जो कुछ भी हो ठीक है, लेकिन काम करना पड़ेगा। तो अब आज से थोड़ा बहुत मैं धीरे धीरे करके काम स्टार्ट करूँगा एंड जिम भी जाना चालू करूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे को करीबन करीबन 1.5 मंथ हो चुका है जिम गए हुए। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आज आपको एक गेमिंग साइट के बारे में बताने वाला हूँ, जिस पर मैं खुद गेम खेलकर बहुत अच्छे पैसे कमाता हूँ, एंड उसका नाम है 1Win। एंड यहाँ पर जो मेरा फेवरेट गेम है वो है लकी जेट, लेकिन उसको खेलने से पहले मैंने यहाँ पर 3,000 रुपये डिपॉजिट करे हैं, तो मैं आपको अभी ये बताता हूँ कि यहाँ पर आप पैसे कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने पेटीएम सेलेक्ट करा है, एंड पेटीएम सेलेक्ट करने के बाद मैंने अपना अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, अपना फेवरेट गेम सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पर लक्की जेट को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर इस गेम में आपको 2 बैट प्लेस करनी है, एंड आप ये जितना ज़्यादा बैट प्लेस करोगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पे जीत सकते हो। तो पहली बैट जो मैंने प्लेस करी है वो है 1500, एंड दूसरी बैट जो मैंने प्लेस करी है वो है 1500। तो मैंने 1500 की 2 बैट प्लेस कर दी है, अब हमें वेट करना है नेक्स्ट राउंड का। सो यहाँ पर नेक्स्ट राउंड चालू हो चुका है, एंड यहाँ पर मैं पिकअप कर लूँगा। सो फर्स्ट विन मेरी हो चुकी है 2,325, एंड सेकेंड विन हो चुकी है मेरी 3,195। सो आपने देखा कितना ईजिली मैंने सिर्फ 2 बैट प्लेस करके 5,520 रुपीज अर्न कर लिए हैं, क्या बात है भाई, मजा आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर विड्रॉल की। तो विड्रॉल के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ अपना अकाउंट डालना है, एंड उसके बाद आपको सिर्फ अपना मेथड सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर पेटीएम सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको पेटीएम को लॉग इन करना है, और लास्ट में फिर आपको यहाँ पर सिर्फ अमाउंट डालना है, एंड आपका जो पैसा है वो इजीली विड्रॉ हो जाएगा। तो गाइज़ मैं तो इस साइट पर ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि ये मेरे एक फ्रेंड की साइट है, तो आप भी यहाँ पर गेम खेलकर इजीली पैसे अर्न कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरा प्रोमो कोड जो कि Travel500 है यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा 2,500 रुपीज़ का बोनस। एक सेकंड, मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, जी हाँ मेरा पैसा जो था वो विड्रॉ हो चुका है, आप देख सकते हैं। सो गाइज़ आप लोग वेट किसका कर रहे हो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से जाके आप इस साइट पर रजिस्टर कर सकते हैं एंड गेम खेलकर इजीली बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। काफ़ी दिन के बाद भाई स्टूडियो भी देखने को मिल रहा है वीडियो में। सो जैसा छोड़ के गया था वैसा ही है, थोड़ा बहुत सामान वामान इधर उधर होता रहता है। एंड कल मैंने एक चीज़ करी थी शाम को, कल बैठे बैठे मन तो कर नहीं रहा था कुछ करने का, तो ये कर लिया मैंने। इस पूरे दरवाजे पे मैंने अकुस्टिक पैनल्स लगा दिए हैं, जिससे थोड़ा सा और इस कमरे में आवाज़ कम हो जाए। धीरे धीरे करके ये आवाज़ वाली जो प्रॉब्लम है ना इसको पूरी ख़त्म करूँगा मैं, थोड़ी सी और बच रही है उसको भी सही करूँगा। सोच रहा हूँ कि ऊपर लगाने को, लेकिन पापा कह रहे हैं कि भाई साहब फुल सीलिंग ख़राब हो जाएगी, जितने का तुम्हारे अकोस्टिक पैनल नहीं लगेंगे उतना ज़्यादा महंगी वो है, तो उसको मत ख़राब करो। मैं कहा चलो देखते हैं, अभी इसका तो लास्ट में सोचूंगा। बाकी यहाँ पे ना कर्टेन लगवाने की सोची है मैंने, तो कर्टेन वाले भैया को आज बुलाया, आ जाएंगे वो नाप लेके चले जाएंगे, और इसमें कर्टेन कल या परसों तक
कर्टेन भी लग जाएगा। एंड इस वाली दीवार के लिए मैंने एक बहुत अच्छी सी चीज़ मंगाई है, कॉलम्स टाइप कुछ वॉलपेपर टाइप का है जो इस पर चिपक जाएगा और बहुत अच्छा फील देगा, तो वो मंगाया, वो देखते हैं वो आ जाएगा तो वो इस पर लगा देंगे। तो काफ़ी हद तक उसके बाद है ना आवाज़ कम हो जानी है, तो हो जाए तो बढ़िया बात है भाई। एंड पर्दे ना मैं सिर्फ उसमें ही नहीं, पर्दे मैं यहाँ भी लगवाने वाला हूँ और मेरे रूम में वहाँ पे भी लगवाने वाला हूँ, दोनों जगह पर्दे लगवाने ज़रूरी है। गाइज़ आप लोग को एक छोटी सी अपडेट देनी थी कि अपन ने अपना शॉर्ट्स का चैनल चालू करा है, अभिषेक सिंह शॉर्ट्स नाम से है। इस चैनल के आपको जो चैनल वाले सेक्शन होते हैं वहाँ पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके वीडियोस देखना, शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ मैं वहाँ पे, अपनी जो भी जितनी भी शॉर्ट्स वीडियोस बनेंगी ना, या चाहे वो ट्रैवल से रिलेटेड हो, चाहे वो जैसे थोड़ा बहुत इधर उधर से रिलेटेड हो, कुछ अच्छा सा कंटेंट हो, कॉमेडी कंटेंट हो, और बहुत सारी चीज़ें जो होंगी शॉर्ट्स से रिलेटेड जो मैं बनाऊँगा वो मैं उधर पोस्ट करूँगा, तो आप वहाँ जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो देख लेना, अगर अच्छा लगे, आपको मज़ा आए देखने में, शॉर्ट्स अच्छा लग रहा है, तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई दिक्कत नहीं, देखो मज़े करो। टाइम फॉर अनबॉक्सिंग, तो इसको अनबॉक्स करते हैं, इसमें दिखाता हूँ आपको क्या है। एंड ये कुछ पार्सल्स भी थे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, कुछ खास तो नहीं है लेकिन हाँ नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड है तो उसमें काम आएंगे। बाकी इसको अनबॉक्स करते हैं अपन एंड अपना गेमिंग चेयर वाला काम करते हैं, अनबॉक्स करते हैं मैं इसको और आपको दिखा दूंगा इसके अंदर क्या है, बड़े काम की चीज़ है। तो ये चीज़ मंगाई है मैंने, ये ऐसा स्टैंड है और यहाँ से ऊपर जाके कैमरा आ जाता है आपका, जैसे आपको टेबल पे कुछ शूट करना हो, थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा ये, वैसे तो यहाँ से एडजस्ट हो जाता है इस वाली चीज़ से जो है, इसको घुमा के एडजस्ट हो जाता है, लेकिन भाई इसमें ना मेरे को थोड़ा और कुछ भरना पड़ेगा जिससे वेट बैलेंस हो, वरना देखो हिल रहा है आगे गिर रहा है, मेरे डर लग रहा है गिर ना जाए, मैंने लेंस चेंज करा है वेट कम करने के लिए देखो। सो अगर मेरे को जैसे कुछ शूट करना होगा तो वहाँ पे अपन कैमरा भी लगा सकते हैं एंड ये वाला जो फ़ोन है इसको भी लगा सकता हूँ। सो फोन को इसमें लगा के जो टेबल वाला यूं करके आप व्यू देखते होगे ना ऐसे, ये तो जैसे 0.5 में अभी 1x में करते हैं जैसे, ये तो ऐसा कुछ आपको ऊपर से देखने को मिलेगा अगर अपन जैसे बी रोल्स और ये सब शूट कर रहे हैं कुछ वीडियोस के लिए, तो काम आने वाली चीज़ है। मुझे बताओ आप में से ना बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया ये वाला ट्राईपॉड हुआ, ये वाला माउंट हुआ, या फिर जो भी चीज़ मैं यहाँ भी आपको दिखा रहा हूँ ये सब चीज़ें, ये आपको अगर देखना हो तो जो व्यू प्रोडक्ट वाला जो आता है यहाँ पे साइड में, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोग मांगोगे उससे पहले ही मैं आपको दे दूंगा, तो जाके चेकआउट कर लेना मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ सब कुछ वहाँ पे, हर वीडियो में डालता हूँ मैं कि कौन सी चीज़ें मैं उस यानी पर्टिकुलर वीडियो में मैंने यूज़ करी है शूट करने के लिए या फिर कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसको चेकआउट ज़रूर कर लेना। वैसे तो अभी मैं आपको बोल रहा था कि गेमिंग चेयर भी दिखाता हूँ, लेकिन यार एक्चुअली क्या है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, 4:30 बज चुकी है और अभी मैं सोच रहा हूँ जिम जाता हूँ। सो गेमिंग चेयर वाली वीडियो आगे बाद किसी और ब्लॉग में आपको दिखा दूंगा, एंड मेरे को क्या एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना है गेमिंग चेयर का पूरा, सो उसके लिए भी वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे करके आएंगी, तो वो काम भी करना है, इसलिए अभी इस ब्लॉग में तो इसको रहने देता हूँ। अभी मेरे को भूख लग रही है, फिर से कुछ खाता पीता हूँ, उसके बाद मैं जिम निकलता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारा एक मीटअप था, मैं मेरे क्या फैंस इंतजार कर रहे थे मीटअप के लिए, तो मैं मिल नहीं पा रहा था, तो फैंस से आज मैं आखिरकार मिलने आ गया। प्लेस भी कौन सी डिसाइड कर लिया, प्लेस देखो मीटअप का, प्लेस देखो तुम तो क्या ही है, तुमने देखा लद्दाख वाले पहले वीडियोस के कि हम लोग मिलने का प्लान था, उस दिन मूवी देखने चले गए है ना, मिल नहीं पाए थे हम, तुम अकेले भाग गए देखो तुम अकेले माउंट आबू गए, यानी प्लान हमारा साथ जाने का था माउंट आबू और उदयपुर का, वो कैंसिल हो गया, मैं लद्दाख निकल गया, ये माउंट आबू निकल गया अकेले घूमने, हिमाचल भी निकल गया, ये हिमाचल भी घूम कर आया हूं। और बाकी अभी हम एक ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं साथ में, हो सका तो हम जाएंगे, और ये नहीं ना मैं आगे वाली ट्रिप में था ना मैं पहले की ट्रिप में था और ना आगे वाली में होगा तो सो अभी हमारा प्लान बन रहा है, यश भैया कह रहे हैं कि गाड़ी से इनकी जो इन्होंने नई गाड़ी ली अभी मैं दिखाता हूँ उससे गोवा जाने का प्लान बन रहा है, ये गोवा कह रहे हैं, हाँ गोवा चलते हैं, गोवा के साथ साथ एक चीज़ और करनी है यार, दिसंबर में अगर आपको टाइम मिले तो, ऐसा मेरा मानना है दिसंबर में गोवा के बाद अपन राजस्थान राइड करेंगे बाइक से, तुम्हारा दोनों का निकाह हो गया भाई, चलो ये यश भैया की नई कार, कौन सी है, क्रूज, शर्लेट की क्रूज है भाई, और टायर कितने प्यारे लग रहे, वो टायर बहुत अच्छे लग रहे, इसके साथ ही आती है फिटिंग, मैं भी यार सब लगवाऊंगा। तो यश भैया ने चाबी फाइनली मेरे को दी है कि भैया आप ही हो जो इस गाड़ी के लायक हो मेरे अलावा चलाने, बाकी तो साइड में बैठने वाला मैं हूँ, बाकी तो बिना मतलब, हाँ बैठ ले, गोवा तो जानी पड़ेगा तो बैठ तो ले, आ जा आ जा। ये है भाई गाड़ी इनकी, और बहुत ही प्यारी लग रही है यार अंदर से, सबसे बड़ी चीज तो ऑटोमेटिक है, सिर्फ ब्रेक के पैर एक्सीलेटर, सनरूफ भी है, हाँ सनरूफ भी है ना, और भाई बढ़िया यार, चलो यार ये चीज अच्छी है,
गाड़ी तो बढ़िया है यार। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बढ़िया भाई, फट रही है मेरी इसको चलाने में। एक्चुअली सीन क्या है कि बहुत ज्यादा इनके ब्रेक दिखाऊं, देखो देखना ये देखो एकदम से लगते हैं भाई ये ब्रेक। क्या पावर है यार गाड़ी में, पावर तो बहुत प्यारी है भाई। हाँ, इसे डीजल रॉकेट बोलते थे। ये बंदी इसलिए हुआ था इसकी अनलिमिटेड पावर के चक्कर में। मस्त है यार गाड़ी तो, मस्त है लेकिन स्टीयरिंग बहुत ज्यादा टाइट है इसका। अगर तो सही है यश भाई, बस एक आदमी गाड़ी वाड़ी मत देना है ना। समझ गया ना किसको? मैं समझ गया किसकी बात हो रही है। छूना छूना मत देना फालतू, ये इसकी बात हो रही है। बैठा ले तो चलो वो तो ठीक है, ये कोई सीट अनकंफर्टेबल सी भाई, बैठ भी नहीं पा रहा ढंग से। मेरी तो बहुत कंफर्टेबल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अनकंफर्टेबल है क्या? अनकंफर्टेबल है, ले उतर 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 उतर। ये उतर 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 गाड़ी रोक दी। उतर उतर तेरे दोस्तों के साथ उतर, जा 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 जा। नहीं वो बुला नहीं रही अभी। जैसे कि एच बी अपन गोवा वोवा जाएंगे तो अपन तो वहाँ जाके खा पी के मजे करने वाले हैं। जैसे अभी भी खा ही रहे हो आप तो, वो तो जरूरी है, लेकिन कोई नहीं जा पाएगा, नहीं खा पाएगा। गोवा जाने से पहले कोई हॉस्पिटल जाएगा। तो उसके लिए हमने कुछ मंगा दिया भाई, अभी खा ले पी ले, फिर उसके बाद पता नहीं ना भाई कब मिले नहीं मिले खाने को। ठीक है ना, और कुछ जो खाने आज तू खा ले, उसके बाद सॉरी फिर हम गोवा। और एक्चुअली क्या, गोवा से अब हमारा प्लान शिफ्ट हो रहा है अंडमान निकोबार पे, तो दोनों में से एक जगह जाएंगे। पापी के निकल लिया भाई, अब इन लोगों को घर छोड़ेंगे, मतलब ये अपने घर जाएंगे और मेरे को छोड़ूंगा। और भाई यार ये चला रहे गाड़ी, इनको आदत हो चुकी है ना। और गाड़ी देखो इसमें लाइटें लगी हुई है भाई, क्या बढ़िया वो होता है ना मर्सिडीज का मेबैक वेबैक वाला फील आता है, जैसे एकदम बढ़िया सी डैशबोर्ड ऐसी कलर भी चेंज होता है इसमें, ये वाइट हो गया और कौन सा हो गया, ये नियोन, एक और कलर के नाम आया है लाल। और ओ भाई अरे दिवाली की लाइटें चल रही। कुछ काम से ना मैं फ्लैट आया हुआ था, तो अभी मैं नीचे हूँ पार्किंग में। सो मेरा अभी दिमाग चला कि थोड़ा सा ना मीकू को परेशान करा जाए, तो अभी मैं उसको कॉल करने वाला हूँ और कॉल करके मैं बोलने वाला हूँ कि ना तू नीचे आ जा एक बार, कुछ काम करना, कुछ बात है तुझसे। तो उसको मैं फोन करता हूँ अभी, रुको। हेलो, हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ सुन, है ना एक बार नीचे आइयो। हाँ एक बार नीचे आ जा, कुछ काम है मुझसे, तेरे से बात करनी, मेरे को एक बता एक चीज पता चली तेरे बारे में। पता आपको मेरे से क्या बात करनी है? हाँ तो सही, नीचे आ रही हूँ। इसको बुला तो लिया मैंने नीचे, अब आएगी ना मैं परेशान करूंगा। और कुछ नहीं ऐसे बोलूंगा बस, और बता क्या हाल चाल है, ठीक है, थैंक यू, और फिर मैं भी ऊपर चला जाऊंगा उसके साथ में, तो मुझे दिल का सुकून मिलेगा इस चीज से। सही आ चुकी है, देखो यारी इधर 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 जल्दी बैठ। क्या है? अरे जल्दी बैठ, क्यों बैठ तो सही। हाँ। गेट बंद कर, गेट बंद कर, गेट बंद कर, गेट बंद कर। तेरे पता नीचे किसलिए बुलाया मैंने? क्यों? किसी को बताइयो मत। हाँ। पक्का है ना? हाँ। देख लो गाइस, आप लोगों को बताया था मैंने, इसको ही बता रहा हूँ। लाओ तो ठीक है, बात सुन मेरी बात। क्या? तैयार है ना तू? क्यों बता सही? हाँ। तैयार है? हाँ। चल ऊपर चलते। अरे यार भाई देखा कि थोड़ा सा ना तेरे साथ मस्ती मजाक करूं, आजकल मैं थोड़ा सा मूड मेरा ऑफ था ना, तो आपने मेरा मूड भी ऑफ किया, तो तेरे को भी लेके चल रहा हूँ ना मैं। चल चल, यही रहूंगी। अरे चलो, बहुत भयंकर झूला है उसमें, मैंने देखा हूँ रोज। कैसा देख रहा हूँ, तुम मान गई एक झूले के नाम से, तो ये झूले वाली चीज़ तो तुम्हें आगे वाले व्लॉग में पता चलेगी। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो चलो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम मिलते हैं आपसे झूलों पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बाय।